गण नायकाय गण देवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुड शरीराय गुड मंडिताय गुडेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुड प्रविष्टाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम अच्छी हूँ। और आज है डे टू। गणेश जी बैठे हुए हैं, पूजा हो चुकी है और ये आज गणेश जी के दर्शन कर लो आप सब लोग। है हमारे गणेश जी, कितने सुंदर गणेश जी हैं, ये देखिए। गणेश जी के दर्शन कर लो। गणेश जी के फूलों का हार देखो, ये वाइट वाले बहुत सुंदर लग रहे हैं। और गणेश जी के लिए मोदक चढ़ाए, ये गणेश जी के हाथ में मोदक रखे हुए हैं। और बस बहुत सुंदर लग रहे हैं इस बार गणेश जी, इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके सामने जो है बैठे रहो यहाँ पे। मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि मन कर रहा है कि बस यहीं मैं बैठ जाऊँ, यहीं खाना पीना सब कुछ जो है वो यहीं हो। बहुत ही सुंदर इस बार गणेश जी इतने सुंदर हैं, बस बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप लोग विश मांग लो, जो जो जिसको जो विश मांगनी है गणेश जी पूरी करेंगे। गणेश जी सबके विश पूरी करना, कोरोना को दूर भगाना जी, जल्दी से सब कुछ सब नॉर्मल हो जाए। गणेश जी सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं ना। बहुत सुंदर इनकी आईज, कितनी सुंदर है देखो, बहुत ही प्यारी। और ये इनका हार देखिए, ये वाला ये मैं लेकर आई थी, बहुत प्यारा लग रहा है। सुबह बस मैंने वही भोग लगाया था, मोदक का और फल वगैरह। और अब मैं जो है इनके लिए बना रही हूँ अप्पे, और बनाऊंगी थोड़ा सा पुलाव, वो इनको प्रसाद में चढ़ाऊंगी भोग में इनके दोपहर के। तो बस वही जब बनाने जा रही हूँ अप्पे रेसिपी, तो आप लोग देख ही चुके हैं, तो वो मैंने क्या दिखाऊँ आपको बार बार, वो हो ही चुका। और पुलाव बना रही हूँ नॉर्मल। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है गणेश जी के टाइम पे, इतना अच्छा वेदर है, ठंडा ठंडा, बिल्कुल गर्मी नहीं है, बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है। बारिश हो रही है रात से, देखो अभी भी बारिश हो रही है, बहुत ही बढ़िया मौसम है। गणेश जी अपने साथ बहुत अच्छा मौसम लेकर आए हैं, एकदम गर्मी नहीं है, उनको भी गर्मी नहीं लग रही है, आराम से बैठे हुए हैं। यू भी तुम क्या करके आ रहे हो, तुम बता दो। अपनी वीडियो बना रही है, अपनी वीडियो बन रही है इनकी मोदक को अब पे। मम्मी बना रही है अब पे अभी किचन में। घर में जो माहौल है वो इतनी खुशी का है, मतलब फेस्टिवल के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा, मतलब बड़ा अच्छा घर में फील हो रहा है। भजन चल रहे हैं, पूजा, और एकदम घर का जो माहौल ही चेंज हो गया है गणेश जी के आने से, बिल्कुल ही अलग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस ऐसा लगता है कि गणेश जी को यहीं ये रख लो हमेशा, और पूजा पाठ करो अच्छे से, मतलब लगता है कि यहीं पे रहें वो। ये जगह इनकी बहुत बहुत ही, देखते रहो बस, ये लगता है कि देखते ही रहो। चलो मैं बना लेती हूँ अप्पे प्रसाद, भोग लगाने का टाइम हो जाएगा, तो इनके लिए मैं जो भोग बनाने जा रही हूँ। कोरियर आया, इसके अंदर क्या है वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में, वो आपको पता चल जाएगा इसी व्लॉग में कि इसमें अंदर क्या है। एक ही दिन में आ गया, कल ऑर्डर किया था और आज ही आ गया। चलो ठीक है। मेरे सरकार आई है।
भी तो गणेश जी से ज्यादा मोदक तो तुम खा रहे हो है भाई। यूपी मोदक थोड़ी है, लड्डू मोदक मोदक लड्डू एक ही होता। सेवा जितना करो उतना कम है, जो भी करो मन से करो। भोग बन चुका, भगवान जी ने खा लिया है, भगवान जी को पसंद आ जाए बस। देखते हैं आप मम्मी क्या बना रही हैं गणेश जी के लिए। आज बन रहा है, बनी है आज खीर। खीर खीर बनाई गणेश जी के लिए, और बन रही है आज आलू की कचौड़ी। चौड़ी ब्लैक वाली या व्हाइट वाली? ये कौन सी होती है ब्लैक व्हाइट? क्यों एक होती है ब्लैक? हाँ। मतलब जो जो एकदम लाल सी की हो वो ब्लैक है। हाँ देखो आज बना रहे हैं हम गणेश जी के लिए कचौड़ी और खीर। बस बनने वाला है, खीर बन चुकी है और बस कचौड़ी तलने की देर है बस।
आज थोड़ा नीचे गए थे, सोसाइटी में विसर्जन था तो वहाँ आज हमें लग गए 2 घंटे। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर गणेश जी आए थे, वो भी 1.5 दिन में ही विसर्जन कर दिया, तो वही पूरा हम लोग देख के आए। आज हमारी जो सोसाइटी का स्विमिंग पूल है वहीं पे जो है विसर्जन कर दिया सब लोग ने, तो बहुत मज़ा आया। ढोल वोल बजे, बहुत मज़ा आया देख के। मेरे कान फट गए, कान फट गए, इतना आनंद आ गया एकदम, बहुत ही बढ़िया। तो इसीलिए देर हो गई थोड़ा सा, वरना तो अब तक बन जाता, तो बस बन ही गया फिलहाल। अब जल्दी से करेंगे पूजा, भोग लगाएंगे फिर करेंगे पूजा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। खाना पीना हो गया, कचौड़ी और खीर। यू भी तुमने खीर नहीं खाई? नहीं, कल खाएंगे। और हमारे गणपति जी ने भी खा लिया है, और वैसे तो टेस्टी बना था, उनको भी अच्छा ही लगेगा है। ये भी अच्छा बनी थी ना कचौड़ी, बहुत टेस्टी थी, और हमने भी खा लिया। आने वाला ब्लॉग जो है वो भी ज़रूर देखें, स्पेशल ब्लॉग होगा। गणपति जी आए घर में तो कुछ कुछ नया होता ही रहेगा, तो बस। और जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरे न्यू ब्लॉग्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको ध्यान से मिलता रहे, बहुत जल्दी मिल जाए। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।